बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट शाम तक आने की संभावना है। पहली सूची में एमपी से 20 से 24 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। एमपी की लिस्ट में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम तय है, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आना तय है, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गजों के नाम आना तय है। तो इंतजार दो दिन से किया जा रहा है। सीईसी की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द जो है पहली सूची एमपी बीजेपी के द्वारा जारी कर दी जाएगी, पर अब तक जारी नहीं हुई है और अब ये संभावना जताई गई है कि आज देर शाम तक हो सकता है ये सूची जारी हो जाए। 20 से 24 नाम इसमें होना बताए जा रहे हैं। कई नाम ऐसे हैं जो जिनका नाम इस लिस्ट में आना तय है, जैसे शिवराज सिंह चौहान हो गए, फग्गन सिंह कुलस्ते हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। तो ये वो बड़े नाम हैं जो लिस्ट में दिखाई देंगे और कई मौजूदा सांसदों का भी टिकट कट सकता है। नए चेहरों को भी लाने की तैयारी में बीजेपी है, नए चेहरों को भी मौका देने की तैयारी में बीजेपी है। तो वहीं फोकस इस बार एमपी बीजेपी का महिलाओं पर भी है। महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतारने की इच्छा में बीजेपी है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हर जाति वर्ग को साधने की कोशिश भी इसमें की जाएगी। इसीलिए लंबा मंथन चल रहा है और संभावना है कि शाम तक ये लिस्ट आ सकती है। मंदसौर में डिप्टी सीएम का बड़ा दावा सामने आया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बयान दिया, लोकसभा चुनाव में 29 सीट जीतेगी बीजेपी। एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी फतह हासिल करेगी। उम्मीदवारों के नामों पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। तो ये बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। बता दें आपको, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सभी 29 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। विश्वास है, अपार उत्साह है और मोदी जी के प्रति विश्वास है, भरोसा है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आएगी और हिंदुस्तान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और एमपी में दाखिल हो चुकी है राहुल की यात्रा, मुरैना पहुंची है राहुल की भारत जोड़ो नया यात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत भी किया। कुछ देर में अंबेडकर स्टेडियम ये यात्रा पहुंचेगी। अंबेडकर स्टेडियम में सभा को संबोधित भी किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी 22 लोकसभा सीटों पर बंटाधार किया था। ये भारत को तोड़ने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जनता की आंख में धूल झोंकने आए हैं। हमने कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प रखा है। जनता कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, राहुल गांधी की यात्रा पर हमला बोला। राहुल गांधी खुद कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं, पूर्व सीएम शिवराज ने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय राहुल को जाता है। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। ये तमाम बड़ी बातें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई है, सुनिए आप भी। लेकिन स्वयं श्री राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं कई जगह कांग्रेस छोड़ के लोग भागने लगते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा जो है, पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरह से 22 लोकसभा सीटों पर बंटाधार उन्होंने किया था। ये भारत को तोड़ने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जनता की आंख में धूल झोंकने वाले लोग हैं। हमने कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प रखा है। ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी।
काम पहले से प्रारंभ किया है। आज हमारी औपचारिक बैठक उसकी अभी चल रही है, उद्घाटन सत्र हुआ है। तो इसलिए प्रत्येक बूथ पर 370 वोट, 10% वोट शेयर कैसे बढ़े, इस चुनाव की रणनीति और चुनाव को हम अच्छे से अच्छे कैसे बनाएं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम इसको लेकर के लगातार काम कर रही है और 64,523 बूथों पर चुनाव जीतने की रणनीतिक तैयारी हमारी टीम इस काम को लेकर के कर रही है। हमारे प्रदेश के प्रभारी महेंद्र जी और सभी वरिष्ठ लोग इस काम में लगे। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। अब गंभीर मरीजों को कम समय में हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर और एक फिक्स विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों के लिए तैनात रहेगा। साथ ही सीएम ने उद्योगपतियों को भी संबोधित किया, कहा जो भी कठिनाइयां होंगी उसका समाधान करेंगे और जरूरत पड़ने पर कानून भी बदले जाएंगे। उनकी माने तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के 250 उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश की इच्छा जताई। सीएम की माने तो उज्जैन संभाग के नीमच जिले में 34,000 करोड़ की सीमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया गया और उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल बनाएंगे। भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए जीडीपी में हमारी और अच्छी स्थिति बने, जो अभी हमारा आंकड़ा है उसको हम डबल पे पहुंचाए, ये प्रयास करने के लिए हमने ये पूरा आयोजन किया था। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी दी है, हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि खाद्य प्रसंस्करण खनिज इंजीनियरिंग कपड़ा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स शहरी अवसंरचना और भी अन्य अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी निवेश की संभावना है उन सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे कार्यक्रम करने का प्रयास किया था और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के बॉडी ओपी और अन्य उत्पादों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए हम लगातार बायर सेलर बैठक करके इस दिशा में भी हमने काफी लोगों के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मोहन शर्मा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी पीड़ा एक दूसरे से व्यक्त करते हुए आमरण अनशन करते हुए आत्मदाह की चेतावनी देते नजर आए। पूरा मामला नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही वसूली से जुड़ा है, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बकाया बिलों की राशि वसूलने के लिए बाइक जब्त कर ली। इसका ठीकरा विधायक मोहन शर्मा के सर पर फूट रहा है। पीलूखेड़ी में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में उन्हें मौका भी मिला और वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मंच से ही अपने संबोधन में कहा कि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि किसी अधिकारी साथ विवाद झगड़ा होगा तो 353 लग जाएगी और मैं वो भी नहीं चाहता, पर मेरे पास में एक हथियार है, वो हथियार चलाना जानता हूँ। क्या मेरा नंदन पर आत्मदाह करने के लिए मैं मजबूर होगा तो वो कर लूंगा। मैंने आपसे पहले भी निवेदन कर दिया, आपसे आप किसने बोल दिया, अभी अंतिम निर्णय मेरा हो चुका है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। मैं जिंदगी से मुझे मोह भी नहीं, तो मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, मुझे मौत स्वीकार है पर जनता के ऊपर अत्याचार मंडल का स्वीकार नहीं है। खरगोन में मुशायरे के दौरान हंगामा देखने को मिला। कार्यक्रम में जमकर कुर्सियां भी चली, यहां पर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, आपसी विवाद हुआ जिसके बाद ये हंगामे की तस्वीरें हमें देखने को मिली। पुलिस कर्मियों ने हल्का बल भी प्रयोग किया, भीड़ को हटाने के लिए लाठियां भी चलाई। नगर पालिका परिषद ने मुशायरे का आयोजन किया था। अब ये जो विवाद का वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों